लैंग्वेजेस को देखते हैं, तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आपके दो कंपेरिजन हो रहे हैं, फर्स्ट कंपेरिजन यहाँ हो रहा है और सेकंड कंपेरिजन यहाँ पर हो रहा है, तो ये लैंग्वेज हो जाएगी आपके CSL बट नॉट NCFL, CSL बट नॉट NCFL। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका फोर कंपेरिजन हो रहे हैं, ये फर्स्ट कंपेरिजन है, ये सेकंड कंपेरिजन है, ये थर्ड कंपेरिजन है, तो सॉरी यहाँ पर आपके थ्री कंपेरिजन हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट कंपेरिजन है, ये सेकंड कंपेरिजन है, ये थर्ड कंपेरिजन है, ठीक है ना। तो दो या दो से ज़्यादा कंपेरिजन अगर आपको करने होंगे तो आप उस केस में टेप लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी, तो आप यहाँ पर टिक लगाते जाइए, ठीक है ना, फिर यहाँ पर टिक लगाते जाइए, तो एक टेप की हेल्प से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टू या टू से ज़्यादा कंपेरिजन एट ए टाइम अगर आपको चाहिए, आपको टू या मोर देन टू कंपेरिजन चाहिए, तो फिर उसके लिए आप टेप का यूज करेंगे, तो ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL, ठीक है ना। अब जरा इस लैंग्वेज को देखिए, ये लैंग्वेज आपका क्या है, आपका ए पावर एन बी पावर एन स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए पावर एन बी पावर एन इन टू एन। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये चूंकि नॉन लीनियर पावर है, ये नॉन लीनियर पावर है, तो ये आपका CSL हो जाएगा, और वैसे भी यहाँ पर इन दोनों में आपका कंपेरिजन हुआ है, तो कंपेरिजन भी हुआ है, इसको स्क्वायर होना चाहिए, और ये नॉन लीनियर पावर है, तो ये आपका हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL। ठीक इसी तरीके से ये देखिए, एम आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसको तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए स्ट्रिक बी एन स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये नॉन लीनियर पावर है, तो इसलिए ये लैंग्वेज हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL। अब जरा इस लैंग्वेज को देखिए, यहाँ पर आपका देखिए एक कंपेरिजन आपका यहाँ पर हुआ, एक कंपेरिजन आपका यहाँ पर हुआ, लेकिन एट ए टाइम यहाँ पर वन कंपेरिजन हो रहा है। देखिए टोटल यहाँ पर दो कंपेरिजन हुए, लेकिन एट ए टाइम आपका वन कंपेरिजन हो रहा है, और कंपेरिजन आपका लिफो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और पुश एंड पॉप आपके यहाँ पर क्लियर है, इसलिए ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, क्योंकि देखिए आप क्या करेंगे, आप ए आने पर ए को पुश करेंगे, बी आने पर ए को पॉप करेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद आप सी आने पर सी को पुश करेंगे, और डी आने पर सी को पॉप करेंगे। तो पुश एंड पॉप आपको क्लियर है, यहां पर आपको इससे पहले पुश करना है, उसके बाद पॉप करना है, और इस पॉइंट पर आपके स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, इस पॉइंट पर आपका स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, और फिर आप इस पॉइंट तक सी को पुश करेंगे, और फिर आप इसके बाद डी से उसको पॉप करेंगे। तो पुश एंड पॉप आपके क्लियर है, और एट ए टाइम वन कंपेरिजन हो रहा है, जिस समय पर यह कंपेरिजन हो रहा होगा उस समय पर यह नहीं होगा, और जिस समय पर यह कंपेरिजन होगा उस समय पर यह नहीं होगा, और जिस समय पर यह कंपेरिजन हो चुका होगा उसके बाद इसके कोई आगे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट ए टाइम वन कंपेरिजन है, क्योंकि जब ये हो चुका होगा इसके बाद आगे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एट ए टाइम वन कंपेरिजन हो रहा है, लिफो ऑर्डर में हो रहा है, और एक सिंगल कॉपी से ये हो पा रहा है, और पोशन पॉप भी क्लियर है, तो ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। इसी तरीके से इसको देखिए, यहां पर आपका भी दो कंपेरिजन है, ये फर्स्ट कंपेरिजन है और ये आपका सेकंड कंपेरिजन है, लेकिन एट ए टाइम यहां पर वन कंपेरिजन हो रहा है। जैसे कि आप ए आने पर ए को पुश कर दीजिए, फिर बी आने पर बी को पुश कर दीजिए, सी आने पर बी को पॉप कर दीजिए, और जब आपका डी आएगा तब आपके सभी बी पॉप हो जाने चाहिए, और फिर डी से हम ए को पॉप कर देंगे, और स्टेक आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो एट ए टाइम वन कंपेरिजन है, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट इस तरीके से ये कंपेरिजन होगा, और कंपेरिजन होने के बाद में आपके पुश एंड पॉप से ये आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, देन आपका ये सेकंड कंपेरिजन होगा, और जब ये हो चुका होगा तो इसके होने पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी आपका लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। यहां पर भी आप बोल सकते हैं कि एट ए टाइम वन कंपेरिजन हो रहा है, तो ये लैंग्वेज भी आपका DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा, ये लैंग्वेज भी आपका DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। और ये देखिए यहां पर क्या है, आपका यहां पर बी टू कंपेरिजन है, लेकिन एट ए टाइम वन कंपेरिजन होगा, पहले ये कंपेरिजन होगा फिर ये कंपेरिजन होगा, तो पुश एंड पॉप क्लियर है, तो ये लैंग्वेज भी हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये तो आपका रेगुलर का पार्ट है, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये जो हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर का। तो ये जितनी भी लैंग्वेज आप देख रहे हैं ये सभी लैंग्वेज हो जाएंगी आपका DCFL बट नॉट रेगुलर।